सपा नेता आजम खान पर आखिरकार लंबे अरसे के बाद गाज गिर ही गई, जिसने आजम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तो आजम एंड फैमिली को जेल भी जाना पड़ेगा और जेल का खाना भी खाना पड़ेगा, और ये सिर्फ आजम की लापरवाही और कोर्ट की नजरअंदाजी के चलते हुआ है। दरअसल रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से कई बार हाजिर होने के लिए नोटिस भेजे गए, लेकिन आजम एंड फैमिली के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके बाद गैर हाजिरी के चलते कई बार कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। नोटिस पे नोटिस मिलने के बाद आखिरकार आज आजम खान फैमिली के साथ सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे, तो वहां से लौटने के सारे रास्ते बंद नजर आए, क्योंकि कोर्ट ने आजम एंड फैमिली को 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आजम अब सब परिवार 2 मार्च तक जेल में ही बंद रहेंगे। ऊपर हाजिर हुआ कोर्ट में मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साहबजादे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब और डॉक्टर तंजीम फातिमा। किस मामले में हाजिर हुए? अब ये आपको मालूम है कि सारे केसेस जो हैं, उनके जितने केसेस हैं, उन सब में ही हमने एप्लीकेशन गुजार दी है। देखते हैं, उसके साथ साथ चूँकि कोर्ट को भी ये ज़्यादा बर्डन लग रहा है, तो इसीलिए देखेंगे कि कितनी एप्लीकेशन वो आज डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और कितनी बाद में होती है। अभी कोर्ट में ही आजम खान? हाँ, अभी यहाँ नीचे हैं, नीचे तो कोर्ट में भीड़ थी, क्योंकि बाकी और कोर्ट का काम फंक्शन है वो स्मूथली नहीं चल रहा था, तो इसलिए वहाँ पे ये दूसरी कोर्ट में बैठे। इस मामले पर शिकायतकर्ता ने क्या कहा वो भी सुनिए। जन प्रमाण पत्र वाला जो मामला था, उसमें इन्होंने अपनी तीनों ने, अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा जी, इन्होंने अपनी आज बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें 1 बजे उसकी सुनवाई हुई और तीनों को 2 तारीख तक के लिए जेल के लिए बोला गया है और 2 तारीख को अगली सुनवाई होगी जमानत के लिए। तो और भी कोई मामले थे इनके? इसके मामले कौन कौन थे? दो और न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है और 2 तारीख इसमें पड़ी है। बाकी और जो मामले हैं, दो तीन जो और मामले हैं, उनमें सभी में अलग अलग तारीखें पड़ी हैं। तो फिलहाल अभी इन्होंने अभिरक्षा में ले लिया, न्यायिक अभिरक्षा में ले, तभी जेल जाएंगे। हाँ, जेल भेज रहे। आपको बता दें कि आजम खान और उनकी पत्नी पर 88 मामले दर्ज हैं, वहीं अब्दुल्ला आजम खान पर जन्म तिथि और गलत प्रमाण पत्र की वजह से केस दर्ज हैं। लगातार कोर्ट के बुलाए जाने पर भी वो हाजिर नहीं हो रहे थे। आज इस मामले की सुनवाई हुई, आज तीनों लोग एक साथ कोर्ट में हाजिर हुए, जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी को ना सिर्फ नामंजूर किया बल्कि न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया, यानी अब पूरा आजम परिवार जेल भेजा जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।